दमोह जिले के नोटा थाना परिसर में गणेश विसर्जन एवं परीक्षण पर्व को लेकर थाना प्रभारी विकास चौहान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शाम 7 बजे तक अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्णय लिया गया, जिससे गणेश विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। थाना प्रभारी ने कहा कि गणेश समिति ने जो लोग तैरना जानते हैं वही ही विसर्जन नदी व तालाबों में उतरें और शांति से विसर्जन करें, पुलिस को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका न दें। थाना प्रभारी ने कहा कि गणेश विसर्जन के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में नदी एवं तालाबों के किनारे पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दशलक्षण पर्व के समापन अवसर पर विमान जी की शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर के भी चर्चा की गई। एशियन रिपोर्टर अभिषेक खरे की रिपोर्ट। आज सभी ग्रामवासियों में, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक पत्रकार बंधु उपस्थित थे, आगामी त्यौहार जो गणेश जी का विसर्जन होना है और जैन धर्म में पर्युषण पर्व पे विमान निकलना है, उसके संबंध में मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गणेश जी के प्रतिमा का विसर्जन समय से यानी शाम 7 बजे तक कर लें, ताकि ज़्यादा अंधेरा न होने पाए, तथा विसर्जन स्थल पर वही व्यक्ति जाएं जो नशे के हालात में न हो, तथा पर्युषण पर्व में विमान जैन धर्म का दोपहर निकलना है, जिसमें पुलिस व्यवस्था लगा दी जाएगी। सभी गणमान्य नागरिकगण तथा पत्रकार बंधु ने इस पर सहमति जताई है तथा शासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद।